देखा है, सुना नहीं, देखा है कि 19 अनाथ बेटी जिनका कोई नहीं था दुनिया में, जो कोई झाड़ी में मिली, कहीं कहीं मिली, स्टेशन पे मिली, कोई कहीं मिली, पिताजी ने उनको अपना पिता का नाम दिया, उन्हें बेटी बनाया, उनको उच्च श्रेणी की शिक्षा दी, और ऐसी शिक्षा दी है जो विदेश तक भी गेम्स में खेलने गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम महेंद्र पाल इंसा। कब से जुड़े हैं सर? मैं सन 1986 करीब से जुड़ा हूं। सर इतना लंबा समय हो गया, कैसा माहौल देखा है आपने डेरा के अंदर? हमारे डेरे में तो बहुत ही अच्छा माहौल है, आपस में सब प्रेम से रहते हैं, भाई अलग रहते हैं, बहन अलग रहती हैं, सारे काम बड़े व्यवस्थित रूप से होते रहते हैं। सर संत जी के यहाँ महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? संत जी के आश्रम में जो महिलाएं रहती हैं जी, वो इतनी सुरक्षित हैं जैसे एक बेटी अपने बाप के घर में सुरक्षित रहती है जी। सर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस गुरु जी का जो भी सच है, मतलब जितने भी मानवता भलाई के कार्य हैं वो ना दिखाए जाए समाज को? कौन लोग हैं वो जो षड्यंत्र रचते हैं, गुरु जी का नाम बदनाम करते हैं? गुरु जी जिन्हें आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, ऐसे लोग हैं जो उनका ड्रग्स का धंधा है, शराब का धंधा है, तम्बाकू का धंधा है जिनका, ऐसे लोग नहीं चाहते कि पिताजी से, हमारे पिताजी से संगत जुड़े। सर क्या किया लड़कियों के लिए संत जी ने? संत जी ने तो इतना बड़ा कार्य किया है कि दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। सर समाज हमने, की जरूरत हमने, है सुन, हमने सुना था जी कि जो हमने देखा है, सुना नहीं, देखा है कि 19 अनाथ बेटी जिनका कोई नहीं था दुनिया में, जो कोई झाड़ी में मिली, कहीं कहीं मिली, स्टेशन पे मिली, कोई कहीं मिली, पिताजी ने उनको अपना पिता का नाम दिया, उन्हें बेटी बनाया, उनको उच्च श्रेणी की शिक्षा दी, और ऐसी शिक्षा दी है जो विदेश तक भी गेम्स में खेलने गई हैं, उन्होंने एजुकेशन में भी रिकॉर्ड बनाया, गेम्स में भी रिकॉर्ड बनाया है। संत जी की समाज में कितनी जरूरत है सर? आज के माहौल को देखिएगा, संत जी की 100% जरूरत है। क्यों कि वो जो हैं सबसे पहले तीन ही नियम बता देते हैं कि एक तो शराब नहीं पीना है, नंबर दो मांस अंडा नहीं खाना है, और नंबर तीन पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानना। सरकार से क्या अपील करोगे सर? हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे संत को बदनाम करा गया है, 7 करोड़ हमारी संगत को बहुत ज़्यादा दिल दुखाया उसने, निहत्तों पर गोली चलाई है जी, तो ऐसी सरकार को हम बिल्कुल नहीं चाहते, और ये चाहते हैं कि हमारे पिताजी को, गुरुजी को तुरंत जल्दी से जल्दी रिहा करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने जो भी महिलाओं के लिए किया गया किया, आज तक इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया। फिर आखिर क्यों, कौन लोग हैं वो बदनाम करना चाहते हैं जो डेरा सच्चा सौदा को, मगर जो सच है वो लोग लगातार हमारे चैनल के माध्यम से सामने आके बता रहे हैं। कोई भी जो खबरें हैं सूत्रों के हवाले से बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही। फैसला आपने करना है कि किसकी माननी है, सूत्रों के हवाले से खबरें या फिर जो सामने व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं उनके हवाले से खबरें। जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।